क्रोध का एक पूरा खानदान है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिसका नाम है जिद। क्रोध की पत्नी है हिंसा। क्रोध का बड़ा भाई है अहंकार। क्रोध का बाप जिससे वह डरता है भय। क्रोध की बेटियां हैं निंदा और चुगली। क्रोध का बेटा है बैर। इस खानदान की नत चढ़ी बहू है ईर्ष्या। क्रोध की पोती है घृणा। क्रोध की मां है उपेक्षा। और क्रोध का दादा है द्वेष। तो अगर आपको खुश रहना है तो इस खानदान से हमेशा दूरी बना कर रखिए। लोग हमेशा उस वक्त हमारा यकीन तोड़ते हैं जब हम खुद से भी ज्यादा लोगों पर भरोसा करने लगते हैं। अगर रिश्ता निभाना है तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना सीखिए, क्योंकि हर बहस को जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाया करते हैं। अकेले रहने से कभी डरिए मत, क्योंकि बाज हमेशा अकेले उड़ता है और कबूतर झुंड में। थोड़ा सा बचपन साथ रखिएगा, जिंदगी की शाम में उम्र महसूस ही नहीं होगी सफर के आखिरी मुकाम में। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर यकीन मानिए उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। किसी की गलतियों को नहीं उसकी खूबियों को ढूंढिए। यकीन मानिए जिंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। मिट जाते हैं दूसरों को मिटाने वाले, लाश नहीं रोती, रोते हैं जलाने वाले। अतीत के बारे में अधिक मत सोचिए, यह आंसू लाता है। भविष्य के बारे में अधिक मत सोचिए, यह भय लाता है। आज के पल को मुस्कुराहट के साथ जिए, यह आनंद लाता है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे आने वाली 7 पीढ़ियां भोगती हैं, और जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे आने वाली 7 पीढ़ियां भुगतती हैं। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना।